यो गाइस व्हाट्सअप, आज हमारा नया व्लॉग आया है, पहला व्लॉग एक्चुअल में। बट आज हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? वो तो सरप्राइज है। तो गाइस आपको जहाँ पे जा रहे उधर ही जाके मिलेंगे। गाइस अभी हम लोग को लग रही थी भूख, तो हम लोग ने क्या क्या खाना शुरू कर दिया है। तो गाइस अभी हम लोग खाना खा के जब पहुँचेंगे तभी मिलेंगे आपसे, तब तक आप थोड़ी सी क्लिप देखो यहाँ। तो गाइस अभी हम लोग पद्मनाभ स्थान के एक बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये देखिए गाइस, गाड़ी वाले ने बहुत परेशान किया है मत्था देखने के लिए वहां पे। ये देखिए बाहर से इतना सुंदर लग रहा है, और गाइस आप आगे का व्यू भी देख सकते हैं, यहाँ पे दुकानें वुकाने भी लगी हुई है। आपने हमारी वीडियोस में मुझे देखा होगा, मेरी मम्मा को देखा होगा, मेरे भाई को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको अपने पापा से मिलाता हूँ। पापा गाइस मेरे पापा अभी बस हाय बोलेंगे, क्योंकि पापा अभी पहली बार हम लोग की वीडियो में आए हैं ना। आगे आगे जब पापा हम लोग के व्लॉग्स में आएंगे तो पापा को भी आदत लगेगी। बहुत ज्यादा पतली दीदी को तो आपने हम लोग की वीडियोस में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार। लेकिन ये वाली वीडियो देख के जाना, ठीक है ना? ये ऐसा पता चला कि ये वाली वीडियो छोड़ के ही चले गए देखने के लिए, और ये उनकी मम्मी है। हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। ये नदी है, नदी का नाम क्या है आपको पता है? गाइस अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट्स में बताना। हम लोग यहाँ पे सारे के सारे चाय ब्रेक के लिए रुके। मेरी मम्मी घर से चाय बना के लाई थी, अभी सारे चाय पी रहे हैं, और मैं अभी ड्राइवर सीट में शिफ्ट हो गया हूँ। और ये देखिए अभी हम लोग शुगर केन का जूस पीने के लिए भी रुके, लेकिन बात ऐसी है कि शुगर केन का जूस बस भैया और पापा ही पियेंगे। गाइस अभी हम लोग का चाय का ब्रेक भी खत्म हो चुका है, तो हम लोग वापस से निकल चुके हैं। गाइस अभी हम लोग सो के उठ गए, हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। अभी मम्मा और ये तुलिका दीदी की मम्मी को बाथरूम जाना था, तो अभी वो लोग बाथरूम गए हैं। गाइस अभी हम लोग इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज के ऊपर है, अभी हम लोग उसके ऊपर से बाथरूम कर रहे हैं। इसका नाम है भूपेंद्र हजारिका सेतु, लेकिन हम यहाँ पे इसे बोगीबील ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले बोगी घाट था जिससे फेरी की मदद से हम लोग दूसरी पार जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे एक ब्रिज बन गया है जिसके मदद से हम लोग गाड़ी से भी जा सकते हैं, और इसे यहाँ पे इसलिए बोगीबील कहा जाता है। गाइस अभी यहाँ पे ब्रिज का एंड आ गया है, यहाँ पे एक बहुत नीचे स्लोप है, मजा आ रहा है गाड़ी से। हम लोग की आधी जर्नी फिनिश हो चुकी है अभी, और आधा रास्ता बचा है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा टी गार्डन है, ढंग से दिख नहीं रहा होगा अभी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। गाइस अभी हम लोग गोलगप्पे खाने आए हैं यहाँ पे, तो गोलगप्पे खाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस मैंने गोलगप्पे तो खाए नहीं, इसलिए मैं अभी भेलपूड़ी खाऊंगा। गाइस अभी हम लोग एक स्नैक्स के ब्रेक के लिए रुके हैं, ये देखो भैया, और हमें जज मत करना कि हम लोग बस खाते ही रहते हैं, ब्रेक ही लेते रहते हैं, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्लिप में जाओ। उस वाले रेस्टोरेंट से तो निकल चुके, अभी मेन लंच करने के लिए एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपसे उधर ही मिलूंगा। देखो अभी हम लोग टीम को अनुपम भैया ने भी ज्वाइन कर लिया है। अनुपम भैया अपने बारे में बताइए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमारे दीदी के होने वाले हस्बैंड है, हमारे होने वाले जीजू है। हाँ ये देखो फ्लाइट का क्या हो रहा है। सभी हम लोग लंच करने के लिए पहुंच चुके हैं एक रेस्टोरेंट में, चलिए अंदर चलते हैं। हम लोग एंटर कर रहे हैं, एंट्री तो हो चुकी है, काफी सिंपल सा लग रहा है लेकिन अच्छा ही है। अभी हम लोग का लंच भी हो गया, अभी हम लोग जर्नी वापस से रिकंटिन्यू करेंगे। गाइस देखो कितना बड़ा टी गार्डन है, कितना मस्त दिख रहा है। ये देखो मनवीर को मेरे पास पीछे भेज दिया गया आगे से, और मनवीर क्या गा रहा है, रास्ते से लेके इसने किंडर जॉय ली है, किंडर जॉय खा रहा है। गाइस अभी हम लोग आसाम अर्जुन के बॉर्डर में पहुंच चुके हैं, बॉर्डर पार कर रहे हैं हम लोग। अब आपको पता चलेगा हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, अभी दिखा दे कितनी अच्छी जगह दिख रही है। और इस जगह का नाम क्या था मम्मा?
7 किलोमीटर रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट का नाम 7 किलोमीटर है। फुल है रिजॉर्ट, देखो आप देख सकते हो। और ये जगह तेजू है, ये जगह तेजू में है। अभी आपको दिखना मस्त है, ये सुबह से हम लोग निकले हैं घूमते घूमते घूमते। ये पानी दिखाया कितनी मच्छी है गाइस, ये देखिए एकदम क्लियर वाटर है। रात को तो अजीब सा लग रहा है थोड़ा, लेकिन सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। मछली भी है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ भी है देखिए। और ये ब्रिज इतना सुंदर लग रहा है। उधर कॉटेज है, सुबह हम लोग अच्छे से दिखा पाएंगे ये सब। तो गाइस अगली बार हम लोग जब सुबह 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 दिखाएंगे आपको, वो देखिए गाइस वहाँ तक हम लोग पत्थर के थ्रू चल चल के भी जा सकते हैं वो वाली जगह तक। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है गाइस अगले क्लिप में जाओ। गाइस आप जो इतनी सुंदर सी जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग के रुकने का प्लान था, ये जगह में रूम ही नहीं है। मैं तो बहुत मिस करने वाला हूँ। अभी हम लोग एक दूसरे होटल में जाके ट्राई आउट करेंगे कि वहाँ पे रूम है कि नहीं, लेकिन इतना तो श्योर है कि हम लोग अगर दूसरे होटल में ही क्यों ना रुके, सुबह हम लोग इधर घूमने ज़रूर आएंगे, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे ज़्यादा सुंदर लगेगा रात से। बहुत सुंदर था लेकिन मैं बहुत सैड हूँ, मेरे को नहीं मिला यहाँ रहने के लिए, पूरा सिंगसेंग जैसी फील आ रही थी यहाँ पे। और गाइस ये देखिए यहाँ पे कुछ कुछ टेबल ऐसे हैं जहाँ पे शिनचैन जैसे जापान में कुछ टेबल्स नहीं होते जहाँ पे बैठ के खाना होता है, यहाँ पे ऐसे टेबल्स भी थे, लेकिन सैडली हम लोग रह ही नहीं पाए थे। कोई निकल आई है। ठीक है नेक्स्ट गाइस, बहुत ढूंढा ढूंढाई के बाद हमें एक ये होम स्टे मिला है। वो जगह को छोड़ने का मन तो नहीं करा था, लेकिन अभी रुकने के लिए और कोई जगह नहीं है, रात को ढूंढ तो नहीं सकते, इसलिए हमें यहाँ ही रुकना पड़ रहा है। चलिए अंदर चल के टूर देते हैं। फाइनली रूम पहुंच चुके हैं, वैसे रूम इतना भी बुरा नहीं है। फिर यहाँ पे एक टेबल सा है, यहाँ पे दो बेड है, और यहाँ पे मम्मा परस गई है बेड के ऊपर। यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है, फिर और यहाँ पे एक और बेड। ये दोनों क्या है पता नहीं, इन दोनों में से कोई ना कोई तो बाथरूम है एक। ठीक है गाइस अभी सुबह या फिर थोड़ी देर बाद ही मिलते हैं। देखिए अभी मन्नत भी लॉक कर रहे हैं, मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए फ्री हुआ है। मैं सोच रहा था कि मनवीर यहाँ पे सो जाएगा। तो गाइस अभी मम्मा के फोन की बैटरी हो गई थी डेड, तो अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन इस बीच हमने नूडल्स खाए और चाय पी। अभी डिनर आएगा तो डिनर का जरूर दिखाएंगे क्या क्या मंगवाया है। खाने का सामान मिलता हम जल्दी जल्दी खा लेते, लेकिन वीडियो नहीं बना पाते क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग लंच में भी वीडियो नहीं बना पाए थे खाने के चक्कर में, भूखड़ की तरह खा लेते सब कुछ। ठीक है नेक्स्ट क्लिप में जाओ। गाइस हम लोग डिनर वापस से नहीं दिखा पाए सॉरी, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगले डे का व्लॉग चाहिए तो जल्दी आएगा, तो वेट